आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा हमारे चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपके लिए लेटेस्ट प्रस्तुति इसी तरीके की लेके आते रहेंगे, आगे की जानकारी हमारे मंगू भाई देंगे, देखते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। प्रस्तुत करता है न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी बेटा खुद राय बरेली। हमारे जितने संगीत प्रिय भाई सभी से अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस बटन दबाना ना भूले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक कर कमेंट करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मनोरंजन लाइव, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। ये माफी लगा दे साले बचिया, जैसे दांत क्यों निकाल रहा है साले? तूने मेरी नाक नहीं बल्कि मेरा मान सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया है नाना। हमारा हिम्मत नहीं ना, हमारा हिम्मत नहीं ना, या जो मरी तो मरने को सामना को आती। अब मैं तुझे दोबारा ऐसा करने के लिए कहूंगा नहीं। अगर आगे जरा भी एक कदम बढ़ाना तो घर से खोपड़ी आसमान में जाएगी। लेकिन सर ने बोला ही कि हाथी ने हाथी का सुनो, अभी भी कहता हूँ आगे कदम मत बढ़ाना, नहीं वरना मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आज अगर तू बचवा नहीं देगा तो आज मैं तुझे भगवान के पास जरूर भेजूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो। इससे पहले गोली की आवाज सुन करके कोई यहाँ पर आए, अब हम लोग पतली गली से निकल देते हैं। तो क्या बटवा ले लिया भाई? तो क्या ये प्यार दिल दिखाया साथी बाबू का मेरे Yeah।
ये हमारे बाबूजी ने
ये मेरे पास ये थे खेत में मेरे पास के समय एक बटुआ मिला, उसमें मैं श्री नक्का आ गया, वो राजा तुम्हारी राज्य का रहने वाला है। श्री नक्का ने हमारे प्रभु को यानी कि आपके बाबू जी आप खेत में भेड़ बांध रहे थे, तो आपके बचना मिला उस बचने के लिए सेना पत्नी आपके बाबू जी को गोली कर दिया। तो आप घबराइए नहीं, तू आप जिसको गोली मार रहेगा तो आपके साथ आपके साथ इंसाफ हो सकता है। एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बाबू जी की लाश उठवा कर हमारे साथ राज दरबार से चलिए, आपके साथ हो गया चंद्री। Thank you.
कोई कसर नहीं, हमारी यह है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती तो उसकी खबर रैदर तक अवश्य लगती। सब कुशल मंगल है, हारे बन सब कुशल मंगल है। आज हमारा बेटा सीताई रियायत की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। अर्जुन इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी रियाया है, घूमने में घंटे दो घंटे तो लगी गई। इसी शक्ति कहते हो ना तुम, हमारी माया बहुत बड़ी है, घूमने में घंटे दो घंटे का वक्त लग ही जाएगा। और ऐसे भी राजकुमार सीतल को रियायत की तरफ जाना ही चाहिए, बड़े से कुछ तकलीफ डालने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही आकर होने वाला महाराज है। आज सीतल चाहे कर दिया जाते हैं अंत। मुझे शहर कुछ सच बताओ।
आपके साथ ये सब होकर जिंदगी गई तुम्हारे बापू को कहते हैं
अच्छा नहीं किया है। उस समय अच्छा समय पर स्वर्ग क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कलर पर अत्याचार करे। लेकिन हम सेनापति को कहीं से कहीं से देंगे ताकि फिर हमारे राज का कोई कर्मचारी हमारी सेना पर अत्याचार न कर सके। मंत्री सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए, हम लोग फांसी का हुक्म देते हैं और हम सेनापति महाराणी से पांच फुट की चुट्टी लेकर अपने घर गए हुए क्या हार अगर चुट्टी लेकर घर गए हुए हार अगर ये बैठे थे तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। इस समय सेनापति चुट्टी लेकर घर गए हुए हैं, हम लोग फांसी का हर कुछ रहते हैं और कहते ही हम लोग फांसी के फंदे पर लगाते हैं, हमारे फंदे पर अत्याचार करे, ऐसे सोसाइटी को हम कभी नहीं छोड़ते। हर जी बच्चों साढ़े खजाने से 1,000 रुपए इस बच्ची को दे दिए जाए, आवश्यक है ताकि पूरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके। इस व्यक्ति को 1,000 रुपये दे दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। अभी जाते हैं, अभी देखते हैं। हमारे बापू के सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, इधर इधर कहाँ भटकूंगी। तो बोलो बेटी, आखिर हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं। हम आपके यहाँ नौकरी करने चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना बेटी, तुम्हारे पापा की सिवा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। कोई नहीं सिर्फ हमारे बापू थे, आप वो भी मुझे छोड़कर चले गए। तुमने की बात इस संसार में कहा जाऊंगी, कौन तुम्हें सहारा देगा? जब तुम हमारी इलाज कह के नौकरी करना चाहती हो तो हम तुम्हें नौकरी जरूर देंगे बेटी। हाँ बेटी, ये हमारा बेटा शीतल लंदन से पढ़ाई करके आया है, तुम्हें नौकरी करना है कई सवेरी की शाम सफर कर देना और हमारे बेटे शीतल के कपड़े वगैरह छा देना और उसको खाने पीने को इंतजार कर देना। हम तुम्हें महीने में 200 रुपये वेतन भी देंगे। ठीक है राजा, मंजूर है। ले जाओ अपने की बापू की लाश को, ले जाओ और इनका अंतिम संस्कार करो। आज के बाद जो हमारे ही शिवाज कह गए हमारी बेटी बदला की तरह ही होगी। आए को सेना बच्चों, हमने फांसी का हुक्म देते थे। मैंने अच्छा किया, हाँ पिताजी आप बहुत अच्छा किया। शीतल तुम भी लाल की तरफ आए हो, क्या तुम भी कुछ खा लियो? लाल में लाल कर दो, जैसे ही लेकर राज दरबार वापस आते हैं हम उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। हमारी लाइन में लाइन कर दो कि जो हमारी पेड़ पर अत्याचार करेगा महाराज से कभी नहीं छोड़ते। से लेकर सारे राज्य में लाइन करा दो, आप जरूर लाइन करो। जैसे ही सेना पर छुट्टी से वापस आते हैं
उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। अवस्था बदल हमें पलन जमीन करिए मंत्री पूरे राज्य में ऐलान कर दो आज के छात्र सोलह तक की फांसी होगी और दूसरे दस बच्चर दस मिनट राज्य में किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी देखना हो तो राज दरबार आ जाता है ऐलान करते अभी ही करते हैं यह बहुत बेटा वक्ति के महाराज रहे अरे वक्ति के तुमको हम इतना मारे न कि तुम्हारा बेटा चेहरा न पहचान मिले तो छोड़ दी न है अरे एक नए बुढ़वे के मारे न है लेकिन हम महाराज रहे उनके आगे हमारा जो ढुकुर ढुकुर खुदे कर रहा अरे एक नहीं तुमका लटिया हुआ वक्ति लटिया दी ना खत्म हो गई बेटा हमसे मिलते रहो नहीं कोने दिन तुम हो गोली खी हो बिना करते फांसी हुई तुम्हारा साइलेंस पार्टी हुई चलो ऐलान करेगा।